देखिए, एक एक गोला पट्टी में है, दोनों टेप है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को फिर से एक और न्यू ब्लॉग में। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों ये ब्लॉग जो है, नए आदमी जो हरेक माल का फेरी करना चाहता है, काम करना चाहता है इस तरह का, उसके लिए है। तो चलिए, मैं इस ब्लॉग में आप सभी लोगों को बताऊँगा कि कितने का माल और कितने में बिक्री होता है और कितना मार्जिन होता है, वो सारे आप लोगों को बताता हूँ कि कौन कौन सा कपड़ा मैं अपने साथ में रखता हूँ और किस रेंज का है और किस रेंज में बिक्री होता है। तो आप लोग पूरे ब्लॉग को ज़रूर देखें, तभी समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं, एक गमछा है जो कि 31 रुपये से लेकर और 35 रुपये तक पड़ता है और सेलिंग होता है 100 रुपये जोड़ा, यानी 50 रुपये सेल होता है। और इधर देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। टोकरी का माल मतलब ये लेगी है, सियान लड़की को है, तो सियान वाला जो लेगी है, 12 वाला लेगी, वो मिलता है 30 से 32 रुपये और 100 रुपये जोड़ा ये भी बिकता है। और इधर देखिए, ये लड़के का पैंट है, कपड़ा वाला देख सकते हैं। तो ये वाला सब है, ये 13-14 रुपये पड़ता है, 20 रुपये बिकता है। ये ब्लूमर सब है, वो 8 रुपये से लेकर और 15 रुपये तक पड़ता है, तो बिकता है 10-15-20 ऐसे कपड़े के बिकता है। और इधर देखिए, ये वाला जो है सियान का हाफ पैंट है, ये वाला पड़ता है 50 रुपये और 60-70 रुपये बिकता है। 90 है, 65 रुपये और बिकता है 90-100 रुपये तक, लाइलून वाला है सब। और इधर देखिए, ये बंडी है, टी शर्ट है, बंडी टी शर्ट, वो हाफ नहीं है, पूरा बंडी है, गंजी जैसे है, तो बंडी है। ये सब मिलता है 11 रुपये से लेके 13-14 रुपये तक और बिकता है सब 20 रुपये, 15 रुपये 20 रुपये बिकता है। और देख सकते हैं ये बांधने वाला है, इसमें मतलब छोटा जन्म मोती लड़का से लेकर के और 2 साल तक लड़का का होता है, तो 15 रुपये 20 रुपये बिकता है। और इसका खरीदारी जो है 8 रुपये से लेकर 12 रुपये तक पड़ता है। और इधर देखिए, ये हाफ पैंट है, ये 40-45 रुपये पड़ता है और 60 रुपये तक बिकता है। ये वाला 14-15 साल लड़का के होने वाला है। और इस साइड में देखिए दोस्तों, ये वाला हाफ पैंट है, 12 वाला है, इसमें मियानी भी है और चैन भी है, और इसका रेट जो है 65 रुपये है और ये 90-100 रुपये बिकता है। और इधर टेप है लड़की लोग का, देख सकते हैं, ये वाला टेप जो है ये मिलता है 13-14 रुपये, 13 रुपये और 14 रुपये दोनों मिलता है। और इधर देखिए, एक एक गोला पट्टी में है, दोनों टेप है, तो 13-14 रुपये मिलता है और 20 रुपये बिकता है ये सब। और ये वाला देखिए, 12 प्ला जो है, ये 50 रुपये, 45-50 रुपये मिलता है और 70 रुपये, 80 रुपये, 90 रुपये ऐसे बिकता है। और इधर देखिए, ये मीडियम वाला प्ला जो है, ये वाला जो है ये लगभग 30-35 रुपये पड़ता है और 50 रुपये बिकता है। इधर 28-30 रुपये मिलता है ये वाला प्लाजो, ये मीडियम है, 8 साल लड़का को लड़की को होने वाला है, और मीडियम वाला जो है 12-13 साल का होने वाला है, दोनों 50 रुपये बिकता है। थोड़ा 5 रुपये कम इसको भी कर देते हैं, नहीं तो 50 रुपये बिकता है। दोस्तों ये सारे जो है लाइलून वाला ज़्यादा है, और सूती वाला प्लाजो भी मेरा ख़त्म हो गया है। और इधर कैपरी है, 3/4 वाला रहता है, 10-11 साल लड़की का, ये भी 30-32 रुपये मिलता है और बिकता है 50 रुपये, 45 रुपये भी दे देते हैं ज़्यादा जोर करने पर। और इधर देखिए, और ओढ़नी है शिफॉन वाला, ये 65-70 रुपये मिलता है और 100 रुपये 90 रुपये ऐसे बेचते हैं। कुर्ती भी है, देख सकते हैं, ये वाला कुर्ती सब है, तो ये कुर्ती सब पड़ता है 100 रुपये से लेकर 120 रुपये तक पड़ता है और बिकता है 140-150-150 तक, कोई 140 कोई 150 ऐसे करके बिकता है। और दोस्तों इसमें 90 भी है, 90 दिखाते हैं दोस्तों, ये वाला 90 है, लॉन्ग में है और इसमें कॉलर वाला 90 है, और गोल गला भी रखते हैं लेकिन गोल गला भी नहीं है, सिर्फ कॉलर वाला है। और ये सब जो है 135-140 रुपये पीस पड़ता है और 170-180 रुपये 200 तक में बिकता है, तो यही सब है। और अच्छा वाला लेगी भी रखते हैं, ये वाला लेगी सब है, अच्छा वाला सियान लड़की का, तो ये सब जो है 70-75 रुपये मिलता है और 100 रुपये बेचते हैं इसको, 120 बोलते हैं, 100 रुपये बेचते हैं। और क्या है,
और ओढ़नी दो तीन रंग का रखते हैं, 65-70 रुपये प्राइज वाला और 90-100 यही सब बेचते हैं। और दोस्तों क्या है, बस यही सब है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और कुछ भाई लोग कमेंट कर रहे थे कि मैं भी काम करना चाहता हूँ, कि क्या क्या रखते हैं बताइए, तो यही सब रखता हूँ बता दिया। और दोस्तों इसको कैसे सजाना है तो कैरेट देख सकते हैं, ये कैरेट है, ये फल वाला या सब्जी वाला के पास मिल जाएगा, 200-250 में मिल जाएगा, 100 रुपये में भी मिल जाता है कहीं कहीं, तो ये लेना है। और उसके बाद जो है फार्मा कैरेट के हिसाब से लोहा का जो है फार्मा बनवा लेना है, ताकि उस पर टांगने में अच्छा रहेगा और मजबूती रहेगा। तो मुझे फार्मा जो है 800-900 रुपया बनवाने में पड़ा, और 900 रुपया और 100 रुपया पेंट करने के लिए पेंट खरीदा था, उसको पेंट किया था तो इसमें लगा था, तो लगभग 1000 रुपये इसमें गया फार्मा में, और 200 रुपया कैरेट में, 1100 रुपया इधर इन्वेस्ट हुआ। और कपड़ा जो है वो एक लोकल वाला कपड़ा है, तो ज़्यादा नहीं, इसमें लगभग 8-10 हज़ार रुपया लगाना पड़ता है, तो उससे आप ऐसा करके बिजनेस कर सकते हैं, साइकिल पर भी कर सकते हैं। मेरे पास एक, मैं शुरू किया था साइकिल से ही, लेकिन धीरे धीरे कमा के पैसा हुआ तो गाड़ी ले लिए। तो दोस्तों यही है, देख सकते हैं जो रियल है, जो रियल में बेचता हूँ खरीदता हूँ वो आप लोगों को बताया हूँ। और दोस्तों कहाँ मिलता है माल, तो हर शहर में लोकल कपड़ा बताइए, लोकल बच्चे का कपड़ा, सियान का कपड़ा तो मिल जाता है, हर शहर में छोटा मोटा लोकल कपड़ा वाला दुकान मिलता रहता ही है, तो आप वहाँ जाकर पता कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर नए लोग काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लगभग 10-12 हज़ार की पूंजी लगा करके प्रतिदिन जो है 2000-2500 का सेलिंग हो जाता है, अच्छा से अगर सेलिंग कीजिएगा और टाइम से निकलिएगा घर पर से। तो हम 8-8:30 बजे से लेकर के और 6:30 बजे तक ड्यूटी करते हैं, और कभी कभी नहीं होता है लेकिन करने की कोशिश करते हैं, 8 घंटा करो, और 8 घंटा ऐसे करेंगे तो 2000-2500 का सेलिंग हो जाएगा, मतलब मिनिमम में, और ज़्यादा से ज़्यादा तो 3000-4000 रुपये का भी होता है, कम से कम 1500-1000 रुपये का भी होता है, तो सेलिंग कभी बढ़ता रहता है घटता रहता है, तो ऐसा ही होता है। और इनकम की बात करें तो 15% से लेकर के और 35% तक होता है, तो मानिए मैं 25-30% तक मान के चलता हूँ, तो वही इनकम होता है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो चलिए इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।